तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी के अंदर अक्कुम बक्कुम वाले सीन होंगे, तो इसको अकेले में ही देखना। साथ में इस मूवी की स्टोरी भी आपको हर एक पल कुछ नया सरप्राइज देगी। मतलब आप लोग सोच कुछ और रहे होगे, होता कुछ और है। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको ये महिला दिखाई जाती है जिसका रिसेंटली अभी एक्सीडेंट हुआ है। इन मैडम जी का इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि इस एक्सीडेंट के बाद इंसान के चेहरे की छंड हो जाए, पर नहीं, एक्सीडेंट के बाद भी हीरोइन के फेस में ऐसी चोट आएंगी जो कि देखने में काफी खूबसूरत लगती है। कैरन मैडम का नाम होता है नेहा और ये भाई साहब होते हैं नेहा के हस्बैंड। अरुण भाई साहब का नाम है हिंदुस्तान और अमेरिका का मिश्रण। आपने रमेश सुना होगा, अरुण भाई साहब का नाम पता क्या है? रोमेश। तो रोमेश भाई साहब को डॉक्टर बताते हैं कि जो आपकी वाइफ उसका बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ है, उसकी मेमोरी लॉस हो गई है जो कि वक्त के साथ वापस आ जाएगी। और जिस तरीके से डॉक्टर बता रहा था उतना भयानक भी नहीं हुआ था एक्सीडेंट, इससे ज्यादा चोट मुझे तब लग जाती है जब मैं साइकिल से गिर जाता। नेहा को ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि वो कौन है, क्या कर रही है यहाँ पर, उसको कुछ भी नहीं याद, यहाँ तक कि वो अपने हस्बैंड पर भी भरोसा नहीं कर रही है और पता नहीं उसको कहाँ बच्चों में ओत भूत दिख रहा है। अब जो रोमेश होता है वो होता है एकदम अंबानी की छठी औलाद के जितना अमीर। इन दोनों ने ही रहने के लिए एक अलग से आइलैंड लिया था। अभी वो हेलीकॉप्टर से इस आइलैंड में उतरते हैं और क्या मस्त मार्वल लेवल की एडिटिंग है, पता ही नहीं लग रहा कि भाई साहब पीछे ग्रीन स्क्रीन है। इससे अच्छी एडिटिंग तो मैं कर लूंगा काइन मास्टर में। अब नेहा को इस घर के अंदर काफी अजीब सा लगता है। अब मूवी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हॉरर है, तो जबरदस्ती हर चीज को डरावने तरीके से दिखाना। अब यहाँ पर पानी की बूंद टपक रही है सिंक में, जो कि हर किसी के घर में टपकती है, पर यहाँ पर ऐसी आवाज आ रही है कि मान लो कि हल्के यहाँ पर मुक्के मार रहा हो, थम थम थम। अब रोमेश यहाँ पर नेहा को बताता है कि नेहा कि कोरोना के आने के बाद मैं नल्ला बेरोजगार हो गया था, हमारे बिजनेस की चाम उठ गई थी, उसकी लंका लग गई थी, जिसके बाद हम लोग कर्जे में आ गए थे। काफी मुश्किल से मैंने वो कर्जा चुकाया और मैं अब कुछ भी नहीं बचा पाया सिवाय इस महल के, और तुमने तो आइडिया दिया था कि हम लोग इस घर को होटल में बदल देते हैं। अब नेहा बहुत ही ज्यादा परेशान है कि एक आदमी जो कि मेरी इतनी केयर कर रहा है और मेरे को उसके लिए कोई भी नहीं फीलिंग आ रही, मतलब वो उसको देखना भी नहीं चाहती है, उसको छूना भी नहीं चाहती है, जबकि वो उसका पति है। वो काफी कंफ्यूज है कि मैं कैसे इस आदमी पर भरोसा करूं। अब नॉर्मली इंसान क्या करता है भरोसा जीतने के लिए? पुरानी बातें याद दिलाता है, पुरानी मेमोरीज दिखाता है। पर रोमेश भाई साहब क्या करते हैं? जी हाँ, वो यहाँ पर नेहा मैडम जी के साथ दबा के अक्कुम बक्कुम करते हैं। और गेस व्हाट, क्या होता है, इन मैडम जी को बहुत अच्छा लगता है और उनको एक कनेक्शन सा फील होता है। हाँ माना कि अक्कुम बक्कुम के प्रोसेस में वायर कनेक्ट होती है, पर उससे याददाश्त भी वापस आ जाती ये तो नहीं मालूम था। मतलब पूरी तरीके से नहीं आती है, पर नेहा को ऐसा महसूस होता है कि हाँ, ये बंदा है तो मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट, इसके लिए कुछ अलग से स्पेशल फील होता है। अब इनकी प्यार भरी बातें हो रही थी और लग रहा था कि सेकंड राउंड भी होगा, पर तभी इनको आवाज आती है नीचे से और ये लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर इनकी खिड़की का कांच टूट गया और नेहा को लगता है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी है। पर रोमेश कहता है क्या बात कर रही हो, कोई भी नहीं है यहाँ पे। पर जिस तरीके का रोमेश फेस बना रहा था, लग तो रहा था कुछ तो है बेटा यहाँ पे, होतिया बनाया जा रहा है नेहा मैडम को। खैर अगले दिन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर आते हैं। अब आप सोचो कि ये अंग्रेज क्यों है, क्योंकि ये दोनों ही विदेश में रहते हैं, इन्होंने विदेश में आइलैंड नहीं रखा है। और अब ये सभी वर्कर काम पर लग जाते हैं और ये लोग बाहर वॉक पर निकल जाते हैं, जहाँ पर नेहा मैडम जी कहती है कि मैं पानी के पास नहीं जाऊंगी, मुझे पानी को देख कर ही डर लगता है। अब रोमेश निकल जाता है अपने काम से और इस बड़े से घर में नेहा अकेली होती है। तभी यहाँ पर ये फिरंगी मजदूर आता है और कहता है कि आप कुछ खाओगी? तो नेहा बोलती है नहीं, तुम ही खाओ। तो ये आदमी पता क्या बोलता है? सी यू। सी यू मीन्स सी हो तुम, सी माने होतिया, यू माने तुम, मीन्स होतिया हो तुम। जब आपके घर वाले आपसे कहे कि 12th पास करने के बाद सब कुछ बढ़िया होगा तो सी यू। जब आपको लगे कि बीए करने के बाद आपका फ्यूचर बन जाएगा तो सी यू। अब नेहा यहाँ पर होती है अकेली और नेहा के साथ यहाँ पर कुछ भूतिया हरकतें होने लगती हैं। कहीं कुर्सी हिलती है, कहीं टेबल हिलती है, और जनरली हम लोग भूतों को कैसे देखते हैं? डरावने, खूंखार, मारने काटने वाले। पर इस घर में पता नहीं कौन सा हफ्सी भूत है, ऐसी आवाजें निकाल रहा है ये भूत। और वही हर हॉरर मूवी की घटिया चीज कि जहां से आवाज आई वही जाना है। अरे जहां भूत है वहां मत जाओ ना, भाग जाओ वहां से। पर ये लोग हमारी कहां सुनने वाले। ये लोग भूत को देखते हैं, खोजते हैं कि आखिर वो कहां है। और नेहा यहां पर शीशे में क्या देखती है कि वो दबा कर किसी के साथ अक्कुम बक्कुम का प्रोग्राम रचा रही है। पर वो जैसे ही कमरे में जाती है वहां पर कोई भी नहीं होता। और अब उसके फटके 365 हो रही थी कि तभी इतने में पीछे से एक दूसरी महिला आती है। ये महिला कहती है कि मैं हूँ आयशा, मैं हूँ तेरी बचपन की चट्टी बट्टी वाली दोस्त, मुझे पता है कि तू अभी इस समय कजनी की आमिर खान बन चुकी है, तुझे कुछ भी नहीं आता। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं तुझको बताना चाहती हूँ कि तेरा पति तेरे को होतिया बना रहा है। देख ये हाउस हॉन्टेड है और तू मेरा यकीन कर। तो वो कहती है कि मैं तेरा यकीन कैसे करूँ, तू है कौन? तो आयशा कहती है मैंने बोला ना कि मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, हम दोनों इस
स्कॉटलैंड आए थे फिर मैं वापस इंडिया चली गई थी तो यहाँ पर सेटल हो गई रोमेश के साथ और तूने और तेरे हस्बैंड ने मुझे शादी में इनवाइट भी नहीं किया। खैर जाने दे, मैं तो तेरे को यही बताने आई हूँ कि ये हाउस हॉन्टेड है और रोमेश भी ये जानता है। तो अमलीहा के अंदर खूब सारे उल्टे सीधे सवाल डालकर आयशा यहाँ से चली जाती है। अमलीहा यहाँ पर रोमेश से बातचीत करती है, रोमेश से वो कहती है कि आयशा आई थी, उसने बताया कि ये हाउस हॉन्टेड है। तो रोमेश कहता है पागल है क्या, वो आयशा ना तेरे से चलती है क्योंकि जब तुम दोनों ही स्कॉटलैंड आए थे तो तुमने अपना करियर बना लिया, तुमने पैसे बना लिए, तुम्हें मैं मिल गया, हमारी लाइफ कितनी बेस्ट हो गई। तो उसकी सुलगती है हमको देखकर, वो किलसती है हम दोनों से, इसलिए वो तुम्हारे कान भर रही है, तो उससे दूर ही रहो और उसकी बातों पर ध्यान मत दो। तो नेहा कहती है कि यहाँ पर एक बेसमेंट है जहाँ पर एक लिफ्ट लगी हुई है, मैं उसके अंदर जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ना कुछ अजीब अजीब आवाजें आ रही थी यहाँ से। तो रोमेश कहता है पागल है क्या, वहाँ पे क्या करेगी जाके, कुछ नहीं है वहाँ पे, ठीक है। यानी कि हमको ये तो समझ में आ गया था कि रोमेश कुछ छुपा रहा है और इस बेसमेंट में कोई ना कोई तो राज छुपा हुआ है। पर नेहा उसकी बातों पे यकीन कर लेती है कि मेरा हस्बैंड सच ही कह रहा होगा। और पता नहीं नेहा के माइंड में क्या चलता है, जब भी उसको लगता है कि हाँ ये मेरा पति सही कह रहा है तो ये लोग अक्कुम अक्कुम करने लगते हैं। मतलब इन लोगों के लिए कोई भी रीजन हो सकता है अक्कुम अक्कुम करने का। वैसे रोमेश इसके लिए अनजान सा था, इसको अभी पूरी तरीके से याद नहीं आई थी, पर उसको ये पता है कि अक्कुम अक्कुम करने से मजा आता है। पर जैसे एफ से होता है फुल और सी से होती है चुल, इन मूवीज के कैरेक्टर को भूत के बारे में जानने की, वही सेम चुल होती है नेहा को और वो बेसमेंट की तरफ निकल जाती है। पर तभी फिर से यहाँ पर आयशा आ जाती है। अब नेहा यहाँ पर आयशा पे चटक जाती है कि तू क्यों मुझसे जलती है। तो आयशा कहती है मैं क्यों जलती तेरे से, मैं तो तेरे को यहाँ पर बचा रही हूँ रोमेश से। देख तेरा हस्बैंड ना बहुत ही ज्यादा चालाक है, वो तेरा मस्त तरीके से काट रहा है और तू अपना कटवा रही है। ये घर हॉन्टेड है ये बात तूने ही मुझे बताई थी और तेरा एक्सीडेंट तो मुझे लगता है कि तेरे हस्बैंड ने ही करवाया है, और तुझे यकीन नहीं होता तो तू जाके इंस्पेक्टर देवदत्त से मिल सकती है। तो मैडम जी नेहा सीक्रेटली इंस्पेक्टर देवदत्त से मिलने जाती है और दिमाग का खोपड़ा फाड़ने वाली बात तो ये है कि स्कॉटलैंड में इंडियन पुलिस वाला कहाँ से आ गया, कौन फिरकी ले रहा है। तो देवदत्त बताता है कि हमको तो ऐसा लगता है कि जो रोमेश के फादर खत्म हुए हैं उसके पीछे भी रोमेश का हाथ था, क्योंकि जहाँ पर रोमेश के फादर खत्म हुए थे वहाँ पर से हमको रोमेश की जैकेट मिली थी। तो नेहा कहती है तुम लोगों ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया उसको। तो ये पुलिस वाला कहता है कि हम लोग ऐसे किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते बिना ठोस सबूत के। अब नेहा को और यकीन हो जाए इसलिए आयशा नेहा को बताती है कि हमने यहाँ पर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को पकड़ने वाले को ही बुलाया था। अब नेहा उसी के पास जाती है जहाँ पर ये बंदा नेहा को एक वीडियो दिखाता है जो कि उसी के घर की होती है, जहाँ पर हम लोग साफ साफ देखते हैं कि नेहा इस लड़की से कह रही है कि मेरे घर में कुछ है, मुझे काफी बुरा महसूस होता है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत है। और नेहा बोलती है कि मुझे यहाँ से ये लॉकेट मिला। तो ये दूसरी लड़की बोलती है कि हो ना हो ये लॉकेट उसी बैड स्पिरिट का होगा और ये है नमक का पानी, हम लोग इस लॉकेट को इस नमक के पानी में डाल देते हैं, इससे होगा क्या कि अगर ये लॉकेट उस भूत प्रेत से जुड़ा होगा तो उस भूत प्रेत की शक्तियाँ कम हो जाएंगी। पर उससे पहले ये लड़की यहाँ पर इस नमक के पानी में इस लॉकेट को डालती, इस घर की भूत प्रेत की आत्मा इन दोनों की ही फाड़ डालती, इस लड़की के ऊपर वही आत्मा चढ़ जाती है और कहती है नेहा मैं तेरी जान मौत दूंगी। और अब इस वीडियो को देखने के बाद नेहा को शत प्रतिशत यकीन हो जाता है कि उस घर में भूत प्रेत है और वो जिसकी भी आत्मा है वो एक फीमेल है। और अब वो वापस अपने उसी आइलैंड पर जाती है जहाँ पर वो क्या पाती है कि रोमेश यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो किसी काम से गया हुआ है। और अब क्या नेहा के अंदर का जग्गा जासूस बाहर आ जाता है और वो 4K कैमरा ऑन करके यहाँ पर उस बेसमेंट के पास होने वाली एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करती है। और वो क्या देखती है कि उसके 4K कैमरा में एक पल के लिए वो भूतनी कैद हुई थी। ये भूतनी जो भी है वो उसको कुछ सिग्नल दे रही है जहाँ से वो सिग्नल आ रहे हैं। जैसे ही नेहा वहाँ पर हाथ डालती है, पहली बात भाई मैं ऐसी जगह हाथ नहीं डालने वाला, ठीक है भाई मेरी फटके चबूतरा हो जाएगी, मैं क्यों ही भाई सांप के बिल में हाथ डालूं। पर नेहा के अंदर है चुल और वो जैसे ही यहाँ पर हाथ डालती है उसको मिलता है एक पेन ड्राइव और ऐसी सेम पेन ड्राइव मेरे पास भी है सैंड डिस्क की। ये बात बताना जरूरी नहीं था पर है तो बता दिया। खैर इस पेन ड्राइव के अंदर वीडियो डाली होती है रोमेश की, जहाँ पर रोमेश खुद एक्सेप्ट कर रहा होता है कि इस घर में भूत है और ये वीडियो अब नेहा रोमेश के सामने प्रस्तुत कर देती है। तो रोमेश यहाँ पर कहता है कि ठीक है मैं तुमको सब कुछ सच सच बताता हूँ। रोमेश बताता है कि जब मैं कोई काम से इंडिया गया हुआ था और तुम यहाँ पर अकेली थी तभी तुमको तुम्हारी एक पुरानी दोस्त मिली जिसका नाम शाइना था। शाइना ने तुम्हारे ड्रिंक में नशे वाली कोई चीज मिला दी जिसको पीने के बाद तुम बेहोश हो गई। वो तुमको तुम्हारे ही घर ले गई और उसने तुम्हारे साथ तबाह कर अक्कुम अक्कुम किया और उसकी 4K क्वालिटी में वीडियोस बना ली। और जब मैं इंडिया में आया तो उसने वो वीडियोस मुझको दिखाई, मुझको बहुत मजा आया, सॉरी मुझे देखकर काफी बुरा लगा, मैंने कहा कि इसको मुझको दे दो मैं रात में देखूंगा, मैं डिलीट कर दूंगा। पर ये लड़की बोल रही थी कि मुझको भर भर के पैसा चाहिए और मुझे उसके ऊपर गुस्सा आ गया और मेरी उससे हाथापाई हो गई और फिर क्या गलती से शाइना टेबल से टकरा गई और शाइना की वही ऑन द स्पॉट मौत आ गई और मैंने उसकी लाश को उसी बेसमेंट के अंदर छुपा दिया और मुझे लगता है कि ये भूत प्रेत की आत्मा शाइना की है जो कि हमको परेशान कर रही है। तो फिर से नेहा को रोमेश की बात पे भरोसा हो जाता है और जैसा कि हम सभी को मालूम कि जैसे ही नेहा को भरोसा होगा
का ये लोग क्या करेंगे, अक्कुम अक्कुम। फिर से ये लोग अक्कुम अक्कुम करते हैं और अब इन दोनों के बीच ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक सा हो रहा है कि तभी हम लोग क्या देखते हैं कि एक महिला नेहा को बहुत ज्यादा घूर रही थी और एक दिन ये महिला नेहा से डायरेक्ट सामने से मिलती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड आयशा हूँ। और ये सुनने के बाद हमारे साथ साथ नेहा की भी फट जाती है कि डीसी अगर तू आयशा है तो वो कौन थी जो कि मुझे ज्ञान दे रही थी। तो ये लड़की यहाँ पर नेहा को प्रूफ दिखाती है कि देख अपना इंस्टाग्राम देख, अपना फेसबुक देख, और तेरा हस्बैंड रोमेश ना तेरा होतिया काट रहा है, वो तेरे से बहुत कुछ छुपा रहा है और वो जो भी छुपा रहा है वो तुझको खुद ही पता करना पड़ेगा। और नेहा को फिर से बुरा लगता है कि बीसी अभी तो इतना मस्त अक्कुम किया था फिर इसने मुझसे झूठ बोला। पर अब यहाँ पर आयशा रोमेश को ज्यादा कुछ नहीं बताती, वो डिसाइड करती है कि वो खुद से ही सब कुछ पता करेगी। तो आयशा निकल जाती उस बेसमेंट की तरफ और वो क्या देखती है कि उस बेसमेंट से होते हुए उसको एक नया रास्ता मिला और उस रास्ते पे चलते हुए उसको मिलती है एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग पोर्ट बांधते हैं। और वो जैसे उस जगह पर जाती है वो क्या पाती है कि यहाँ पर कुछ ऐसा रखा हुआ है जो कि पानी के अंदर है। और वो जैसे ही पानी के अंदर डुबकी लगाती है, पर एक सेकंड, नेहा ने तो बोला था कि उसको पानी से डर लगता है। जैसे ही वो पानी के अंदर डुबकी लगाती है उसको क्या दिखता है कि यहाँ पर एक लाश है जिसके सिर पर एक निशान है, वही निशान जो कि उसकी फेक आयशा के ऊपर था। और अब उसको पक्का यकीन हो जाता है कि वो जो आत्मा है वो उसी लड़की की है, वो वही लड़की है जो कि उससे बात करती थी शुरू में और उसको ज्ञान देती थी। और अब नेहा से रहा नहीं जाता और वो अपने सारे सवालों को लेकर सीधा रोमेश के पास जाती है और कहती है कि अगर इस बार झूठ बोला तो मैं तेरी चैया मौत दूंगी। तो रोमेश कहता है ठीक है मैं तुझको बताता हूँ। तो इस बार रोमेश सच में सब कुछ सच बताने वाला है। तो रोमेश यहाँ बताता है कि जब तुम इंडिया में थी और हमारी शादी को मात्र एक महीना रह गया था तो यहाँ पर स्कॉटलैंड में एक होटल में कोई चमन लंडूरा आके धूम धड़ाका डिस्काउंट करने लगा जिसकी वजह से यहाँ पर तहलका मच गया और मैं एक छोटी सी अलमारी में घुस गया और उसी अलमारी में आ गई एक लड़की जिसका नाम था शायना। शायना एकदम मेरे से चिपक गई थी और उसके चिपकने से मेरे अंदर की फीलिंग जग गई थी। शायना की पीठ पे लगी थी चोट और उसकी चोट देखकर मुझको दर्द हुआ बहुत। मैं उसको ले गया सीधे अपने घर उसकी चोट को मिटाने के लिए और हमको कोई भी रीजन नहीं चाहिए था क्लोज आने के लिए। शायना ने मेरे फादर के बारे में पूछा कि ये तुम्हारे पापा हैं? मैंने कहा यही मेरे पापा हैं। तुम इनको जानती हो क्या? तो शायना ने इस बात को किया इग्नोर और मेरे ऊपर किया भरपूर गौर। मैं तुमको बहुत ज्यादा मिस कर रहा था नेहा और अपना अंटेला चला रहा था और इसी बीच शायना आ गई मेरी लाइफ में। तो अब जो बॉडी की नीड थी वो मैं शायना से पूरी करने लगा और अब हम लोग तबाह कर जहाँ पर भी मिलते अक्कुम बक्कुम करते। और उसको एक वक्त में तुम्हारे बारे में मालूम चल चुका था, वो काफी उदास थी पर फिर भी वो मेरे साथ थी। कि तभी एक दिन मेरे पापा उसी आइलैंड वाले घर में आते हैं जहाँ पर मेरे पिताजी क्या बोलते हैं कि उनको चढ़ा है जवानी का जोश और वो भी चाहते हैं वो भी किसी महिला के साथ अक्कुम बक्कुम करके हो जाए उसके साथ बेहोश। इसलिए उन्होंने एक लड़की से शादी करने का तय किया है जो कि काफी लंबे समय से उनकी गर्लफ्रेंड है। और अब रोमेश के फादर उस लड़की से रोमेश को मिलवाते हैं और जैसे ही वो लड़की यहाँ पर आती है हमको क्या मालूम चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं साक्षात शायना होती है। और ये बात जानने के बाद रोमेश को इतना भयंकर गुस्सा आता है कि क्या ही बताएं। अब वो कैसे बताए कि उसने अपने पापा की होने वाली बीवी यानी कि अपनी सौतेली मम्मी को अक्कुम बक्कुम के लिए इस्तेमाल किया, जो मेरे पापा शायना के साथ करना चाहते थे उसके साथ वो वाला प्यार किया। और वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगता है। तभी यहाँ पर शायना आती है और उससे कहती है देख रोमेश जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ मैंने तेरे पापा का इस्तेमाल किया क्योंकि वो काफी पैसे वाले हैं पर मैं तेरे से प्यार भी करती हूँ। तो रोमेश कहता है लहन की बॉडी गोल्ड डिगर एक नंबर की आर से गंदी तू अपनी चामदा, मैं जा रहा हूँ पापा को सब कुछ बताने। पर जैसे ही रोमेश अपने फादर को कुछ बताने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर शायना आकर पीछे से उसके फादर के सिर का ढक्कन खोल देती है और रोमेश के फादर ऑन द स्पॉट तय बोल जाते हैं। और अब रोमेश को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, रोमेश की आतापाई हो जाती है शायना से और शायना को वो धक्का दे देता है और शायना का और रोमेश ने इसके बाद अपने फादर और शायना की बॉडी को बीच समुंदर में एक दूसरी बोट पर चढ़ाकर उस बोट में शॉर्ट सर्किट कर दिया। और रोमेश गलती से यहीं पर अपनी जैकेट भूल गया था पर रोमेश को नहीं मालूम था कि शायना बहुत ही ज्यादा खतरनाक औरत थी। वो अभी भी धीरे से रोमेश की बोट पर आ चुकी थी और जैसे ही रोमेश किनारे पर पहुंचता है यहाँ पर फिर से शायना आ जाती है। और फाइनली रोमेश ने अच्छी तरीके से शायना का राम नाम सत्य कर दिया और उसकी बॉडी को पानी के अंदर एक बड़े से पत्थर से छुपा दिया। और अब नेहा को यकीन हो चुका है कि हाँ इस बार रोमेश ने सबको सही बताया। तो अब इस घर में लाइट खराब हो जाती है और इसके पीछे हाथ होता है शायना का और ये दोनों ही समझ जाते हैं कि अब इनकी लगने वाली है लंका क्योंकि शायना आ चुकी है। अब नेहा को याद आता है कि पैरानॉर्मल चीजों को जानने वाले बाबा ने बताया था कि शायना से जुड़ी हुई किसी भी चीज को नमक के पानी के अंदर डालने से उसकी ताकत कम हो जाएगी और उस लॉकेट को आग में डालने से वो आत्मा भी नष्ट हो जाएगी। तो अब नेहा यहाँ पर उस लॉकेट को
नमक वाले पानी में डाल देती है, पर शाइना फिर भी उस नमक वाले पानी को नीचे गिरा देती है और शाइना की ताकत वापस आ जाती है। और शाइना यहाँ पर नेहा को तम से धोबी पे चढ़ दे रही थी कि तभी एक मोमेंट था जब शाइना यहाँ पर नेहा को टे की तरफ फ्राई करने वाली थी, तभी यहाँ पर नेहा उस लॉकेट को पकड़ के आग में डाल देती है और यहाँ पर शाइना की आत्मा का हो जाता है दी एंड। और अब ये दोनों ही खुश हैं, पर रोमेश ने जो पास्ट में किया वो चीज नेहा अभी तक नहीं भूल पाई और उसने रोमेश से कह दिया कि सॉरी मैं नहीं बन पाऊंगी तेरी लुगाई, तो तू मुझे भूल जा और किसी और को पकड़ के झूल जा। और बस यही पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि लाइफ में बस इतना अमीर बनना है कि बिजनेस में नुकसान होने के बाद भी एक खुद का आइलैंड हो, एक खुद का इतना बड़ा घर हो और आसपास खूबसूरत सी महिलाएं हों। खैर तुमको क्या लगता है कि तुम अगर रोमेश की जगह होते तो तुम नेहा को चुनते या तो तुम शाइना को चुनते? देखो देखने के मामले में शाइना एक नंबर लग रही है, बाकी तुम्हारी क्या चॉइस है वो तुम अपने हिसाब से बता सकते हो। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, तो कमेंट करने में बिल्कुल मत संकोच करना। ऐसी तो बेहतरीन सी स्टोरी मेरे लेफ्ट और राइट में आ रही है जिनको अगर तुम देख लोगे तो तुम्हारा पूरा डाटा वसूल हो जाएगा। तो सब्सक्राइब माय चैनल नाउ, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बस।